जब हम अपने देश, समाज और गांव के विकास की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारी बुनियादी ज़रूरतें ही निभाती हैं। बुनियादी ज़रूरतें अगर मजबूत हों तो हम विकास की बात कर सकते हैं, और उन बुनियादी ज़रूरतों में से एक स्वास्थ्य विभाग भी है। स्वास्थ्य विभाग का मजबूत होना कितना ज़रूरी है, ये शायद हमें कोरोना काल ने भी सिखलाया है। हम इन बातों का जिक्र आपसे क्यों कर रहे हैं? दरअसल इन बातों का जिक्र आपसे हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा ही एक मामला गिरिडीह जिले के सरिया के कोयरीडी से निकल कर आई है, जहां एक उप स्वास्थ्य केंद्र है। उप स्वास्थ्य केंद्र इसलिए बनाए गए थे ताकि सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोग या आसपास के लोग, खास करके गर्भवती महिलाओं को लाभ हो सके, और जितने भी तरीके के टीकाकरण या कार्यक्रम होते हैं उनके उप स्वास्थ्य केंद्र के जरिए लोगों को लाभ हो सके। पर गिरिडीह जिले में कई ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं जिसकी जर्जर हालत है। समाधान इंडिया ने भी कई बार उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में भी आप लोगों को दिखाया है, लेकिन ये उप स्वास्थ्य केंद्र खास है। खास होने की वजह यह है कि हमारे संवाददाता मोहनलाल राजीव ने फरवरी महीने के 2020 में एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में जानकारी दी। उप स्वास्थ्य केंद्र तकरीबन 25 वर्षों से जर्जर अवस्था में था, जिस पर किसी की नज़र नहीं गई थी। हमारे संवाददाता ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी, उस पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रीट्वीट किया, उन्होंने एक्शन लिया इस पर, और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम जरा आपको डिटेल में बताते हैं, साथ ही उसके बाद क्या कुछ हुआ है उसकी भी जानकारी आज हम आपको समाधान इंडिया चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। हमारे संवाददाता मोहनलाल राजीव ने आवेदन की कॉपी को ट्विटर के जरिए पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि सर इस आवेदन पर भी ध्यान दिया जाए, जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह उपायुक्त से कहा कि कृपया इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जीर्णोद्धार के लिए को उचित कदम उठाते हुए इसके सुचारू संचालन की व्यवस्था करें। जिसके बाद गिरिडीह उपायुक्त का ट्वीट आया कि माननीय हेमंत सोरेन JMM के निर्देशानुसार टीम बनाकर जाँच की गई। जाँच के क्रम में पता चला कि कार्यरत NM बसंती देवी वहां काम कर रही हैं एवं नियमित रूप से राष्ट्रीय कार्यक्रम भी किया जा रहा है, साथ ही भवन काफ़ी जर्जर है। एस्टिमेट बनाकर स्वास्थ्य विभाग से राशि की मांग की गई है। यानी ये ट्विटर पर चीज़ें चल रही थी मोहनलाल राजीव के ट्वीट के बाद। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि उप स्वास्थ्य केंद्र के जीर्णोद्धार और मरम्मति के कार्य भी अब प्रारंभ हो चुके हैं और विवाद वहीं से उठ चला है। दरअसल विवाद होने की वजह यह है कि एस्टिमेट कम है, जिस वजह से समस्याएं खड़ी हो गई हैं। ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि इस एस्टिमेट से उप स्वास्थ्य केंद्र का जीर्णोद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि उप स्वास्थ्य केंद्र काफ़ी जर्जर है। ऐसे में जो ढलाई यानी जो छत है उसकी मरम्मति सिर्फ की जा रही है, जो आने वाले समय में ढह सकती है, इसीलिए इस उप स्वास्थ्य केंद्र का नए तरीके से ढलाई होना जरूरी है ताकि ये लंबे समय तक चले और किसी भी तरह की जान माल का खतरा ना। यही वजह है कि कई राजनीतिक दल के नेता उप स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही आज सरिया प्रखंड के प्रधान रामपति प्रसाद भी आज उप स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लेने पहुंचे, जिससे वो काफ़ी नाराज दिखे। दरअसल बात यह है कि 10,66,000 का एस्टिमेट तैयार किया गया, जबकि उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए एस्टिमेट और भी चाहिए थे। समाधान इंडिया ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम का और जितने भी रिपोर्ट आज हम आपके बीच पेश कर रहे हैं, इसमें हमारे संवाददाता मोहनलाल राजीव की अहम भूमिका है, चूँकि 2020 के फरवरी में ही मोहनलाल राजीव ने ट्विटर के माध्यम से इस बात की जानकारी दी थी, जिसका संज्ञान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया था। आप एक रिपोर्ट देखिए, और समाधान इंडिया भी अपील करती है कि उप स्वास्थ्य केंद्र के बेहतर तरीके से उप स्वास्थ्य केंद्र को बनाया जाए ताकि आम लोगों को सुविधा हो सके। देखिए, सरिया प्रखंड के उप स्वास्थ्य केंद्र कोयरीडी के मामले को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने विशेष प्रमंडल के मत से प्राकलन 10,66,000 की राशि से सौंदर्यकरण व मरम्मति के कार्यों में हो रहे अनियमितता को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने अपने स्तर से जांच उपरांत विभाग पर विरोध जताया है। बताते चलें कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगभग 25 वर्ष पूर्व उप स्वास्थ्य केंद्र कोयरीडी का निर्माण हुआ था। विभाग के उदासीन रवैया के कारण भवन की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी थी।
भवन की बदहाल स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री को ट्वीट के माध्यम से समाधान इंडिया के सरिय संवाददाता मोहनलाल राजीव ने उप स्वास्थ्य केंद्र के जर्जर अवस्था को फरवरी 2020 में अवगत कराया था। वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए गिरिडीह उपायुक्त को इस उप स्वास्थ्य केंद्र के जीर्णोद्धार को उचित कदम उठाते हुए सुचारू संचालन की व्यवस्था करने की बात कही थी, जिसके बाद गिरिडीह उपायुक्त द्वारा ट्विटर के माध्यम से कहा गया कि माननीय हेमंत सोरेन के निर्देशानुसार टीम बनाकर जांच की गई। जांच के क्रम में पता चला कि कार्यरत NM बसंती देवी उप स्वास्थ्य केंद्र कोरिडीह में काम कर रही हैं एवं नियमित रूप से राष्ट्रीय कार्यक्रम भी किया जा रहा है। साथ ही भवन की स्थिति जर्जर है, एस्टीमेट बनाकर स्वास्थ्य विभाग से राशि की मांग की गई है, जिसके बाद एस्टीमेट भी बनाया गया और विशेष प्रमंडल के मत से 10,66,000 की प्राकलन राशि उप स्वास्थ्य केंद्र के सौंदर्यकरण एवं मरम्मती के कार्यों के लिए आवंटित भी किए गए। इसी सिलसिले में आज सरिया प्रखंड प्रधान रामपति प्रसाद वर्मा से स्थानीय ग्रामीणों ने उप स्वास्थ्य केंद्र कोरिडीह के समस्याओं को लेकर रामपति प्रसाद वर्मा को अवगत कराया। सरिया प्रखंड प्रधान ने कहा कि प्राकलन राशि संतोषजनक नहीं है, इसमें न तो छत की ढलाई और न ही बाउंड्री का जिक्र है। कार्यपालक अभियंता से दूरभाष के माध्यम से अविलंब जांच कर बनाए गए एस्टीमेट में संशोधन करने की बात कही। इसके पूर्व भी भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन कुमार पांडे के नेतृत्व में भाजपा के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने भी हो रहे कार्यों में असंतुष्ट व्यक्त कर भवन के जर्जर व कमजोर छत को नव निर्माण व बाउंड्री देने का भी उपायुक्त से आग्रह किया है। साथ ही कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने भी उप स्वास्थ्य केंद्र के जर्जर छत को नए सिरे से ढालने की बात कही है। इस बाबत नरेश वर्मा ने DDC से बात कर समस्याओं से अवगत भी कराया है। वहीं कार्यरत NM बसंती देवी ने भी नाराजगी जताते हुए कहा है कि भविष्य में दुर्घटना की संभावना न रहे, इसलिए नए छत ढालने व बाउंड्री देने की बात कही है। बहरहाल ग्रामीणों एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता कोरिडीह के उप स्वास्थ्य केंद्र के सौंदर्यकरण एवं मरम्मती कार्यों को लेकर बेहद असंतुष्ट है। ऐसे में देखना यह है कि विभाग के द्वारा इस मामले का कब तक निष्पादन हो पाता है। सरिया से समाधान इंडिया के लिए मोहनलाल राजीव की रिपोर्ट। NM स्वास्थ्य केंद्र कोरिडीह में टीकाकरण और प्रसव नियमित रूप से कर रही हूँ। कोरिडीह भवन का छत पूरा जर्जर अवस्था में है। मैं DC महोदय से यही मांग करना चाह रही हूँ कि छत कम से कम ढलवा दी जाए। आप यहाँ देख रहे हैं दीदी कि इस भवन का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, तो आप इसमें क्या कहना चाहते हैं DC महोदय से, उपायुक्त महोदय से? मैं DC महोदय से ही कहना चाह रही हूँ कि कम से कम छत पूरा ढलवा दिया जाए। छत की स्थिति बहुत पूरा जर्जर है, कब गिर जाएगी कोई ठिकाना नहीं। प्रसव आप कराते थे, हमेशा क्या डर बना रहता है? मैं प्रसव जब भी कराती हूँ डर बना रहता है कि, और पेशेंट को भी डर रहता है कि जर्जर अवस्था में कोई आना नहीं चाहता है। ये जन प्रतिनिधि एवं जनता की शिकायत पर आज मैं कोरिडीह उप स्वास्थ्य केंद्र का रेनोवेशन का कार्य स्पेशल डिवीजन के द्वारा जो क्रियान्वित किया जा रहा था उसका निरीक्षण किया। तो रेनोवेशन के कार्य में जो प्राकलन में ये व्यवस्था की गई है कि छत की ढलाई नहीं करनी है, जबकि ऐसा देखा जा रहा है कि छत ही पूरा जर्जर है और केवल नीचे प्लास्टर पोचाड़ा करके इसको मैंने एक भिखमंगे को मैंने लिपस्टिक पाउडर लगा के उसको ठीक करने की सरकारी व्यवस्था है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। इस संदर्भ में मैंने एक्सिक्यूटिव इंजीनियर स्पेशल डिवीज़न से बात किया हूँ और मैंने उन्हें सुधार करने के लिए प्राकलन में निर्देश दिया है, और तब तक संवेदक कोई काम नहीं करे, नहीं तो स्थानीय स्तर पर हिंड्रेंस होने पर कानून व्यवस्था बिगड़ेगी और इसकी सारी जिम्मेवारी कार्यपालक अभियंता की होगी। कोरिडीह में स्वास्थ्य उपकेंद्र के जीर्णोद्धार का काम 2 दिन चला और जिसको यहाँ की जनता ने
बंद करवाया है। मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा, खास करके अपने श्रीमान उपायुक्त महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि इस स्वास्थ्य केंद्र के बगल में ही मात्र 12,66,009 रुपये का एक एस्टिमेट था जो पैक्स का बिल्डिंग है, और उसके 400 मीटर बगल में एक बहुदेशीय भवन बना है लगभग 15 लाख का। सरकार सिर्फ देख ले, प्रशासन देख ले कि 12 लाख रुपए में और 15 लाख में कितनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, और उसका 1/10 भी यहाँ काम नहीं होना है। सिर्फ जहाँ छत है, दीवाल है, उसमें टिक्का टिकरी लगा करके सीमेंट का करके काम, और 10,66,000 का एस्टिमेट है। इसी से पता चलता है कि विभागीय लोग किस तरह, विभागीय लोग चाहे वो अफसर हो चाहे ठेकेदार हो, कैसे चुराता है और कैसे कमाता है। उतनी बड़ी बिल्डिंग 12 लाख में बना लिया ठेकेदार, कोई ठेकेदार, और यहाँ 10,66,000 में सिर्फ टिकरी लगाएगा। आश्चर्य है। हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष जी ने भी एग्जीक्यूटिव साहब को फ़ोन किया था और उनको रिक्वेस्ट किया गया था कि आप एक बार अपने से आके देखिए। उसके बाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने भी एग्जीक्यूटिव साहब से, DDC साहब से बात किया कि सर एक बार देख लिया जाए। प्रमुख साहब ने भी एग्जीक्यूटिव साहब से बात किया, कोई देखेंगे नहीं, वहीं टेबल पर बैठ करके 20 लाख 25 लाख का एस्टिमेट बनाएंगे और वहीं से झोला छाप डिग्री हो जाएगा। किसी को कुछ लेना देना नहीं। मैं उस एग्जीक्यूटिव साहब से निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा कि आएँ और देखें कि 12 लाख की बिल्डिंग कितनी बड़ी बिल्डिंग आपने बनवाया, 15 लाख की कितनी बड़ी बिल्डिंग आपने बनाया, आप 10,66,000 का एस्टिमेट क्या देख करके बनाए। छत बनना ही नहीं है, जबकि छत में एक सूखी लकड़ी, कमज़ोर लकड़ी से पूछ कर दिया जाए तो पूरा भर भरा के गिरने लगता है। तो आप टिकरी लगा करके एकदम रंग रोगन करके चकाचक कर देंगे और उसमें रहने वाला कल आ करके दब के मर जाएगा। उसके बाद जनता उसको कहेगी कि नहीं 5 लाख मुआवजा दो, DC साहब का घेराव करो। यही स्थिति, यही तंत्र है, प्रशासनिक तंत्र का ये स्थिति है। आखिर जिसने बनाया, एस्टिमेट बनाया, जिस जय साहब ने या जिसने भी बनाया, वहाँ आवे और बात करें यहाँ की पब्लिक से। 10,66,000 कौन चीज़ में खर्चा होगा। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि ये स्वास्थ्य केंद्र का छत ही ख़त्म है तो पीछे रंग रोगन करके चमका करके वो नीचे टाइल्स बिछा के क्या होगा, उसमें तो दब के मरेगा ही आदमी। बाउंड्री है, पूरा बाउंड्री भी गिरा हुआ है, बाउंड्री का भी एस्टिमेट नहीं है, न छत का एस्टिमेट है। दीवार जहाँ ब्रेक कर गया उसको सीमेंट से निप देना है और बस रंग रोगन कर देना है। ये नहीं चलेगा, यहाँ की जनता इसका काम होने ही नहीं देगी। या तो री एस्टिमेट बनावे विभाग पूरे छत सहित, या तो ये काम, ये एस्टिमेट ही इसको रिटर्न ले, इस प्राकलन को रिटर्न ले। नहीं चाहिए यहाँ स्वास्थ्य केंद्र, नहीं बनना है तो नहीं बनेगा, वो अच्छा है, क्यों दब के कोई क्यों मर जाएगा, यही कहना है। सरिया प्रखंड का दौरा पर था, यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा शिकायत मिली कि सरिया प्रखंड में कोरीडी में जो स्वास्थ्य उपकेंद्र बन रहा है ये 10,66,000 लगभग का एस्टिमेट है, और केवल आके देखा तो लगा पूरा निपा पोती किया जा रहा है, इसके छत काफ़ी जर्जर हैं और सीमेंट से उसको ढकने का प्रयास किया जा रहा है, जो बिल्कुल ही गलत है। अभी मैंने इसकी सूचना उप विकास आयुक्त महोदय को दिया है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि विभाग को मैं तुरंत खबर करता हूं और पूरा इस पर कार्रवाई होगी, और ये कोई भी ठेकेदार अगर गलत कार्य करके, लिपापोती करके सरकार को बदनाम करना चाहेगा, ये नहीं चलने दिया जाएगा। निश्चित रूप से उसे सही काम करना होगा, और जो पब्लिक डिमांड है कि छत को पहले हटा करके नया छत ढाला जाए, उसके बाद रिपेयरिंग काम किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है और इस पर हम लोग ही काम करवाएंगे।